वो वीडियो समहाउ पोज हो गया था बेटा हमारा. देखिए लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टाइम ये ब्लैकमैन ने नोट किया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं. इसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, आपके पास कोई प्रोसेस आपके पास हो रही है, ठीक है, तो जो उस प्रोसेस के लिए आपके पास रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लिमिटेड है, मिनिमम क्वांटिटी में है, वो डिसाइड करेगी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा. अकॉर्डिंग टू दिस इन अ प्रोसीडिंग प्रोसेस द फैक्टर विच इज़ प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी, किसी भी प्रोसेस में किसी भी रिएक्शन में जो चीज़ आपके पास सबसे कम क्वांटिटी में है वो डिसाइड करेगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन. इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ क्या हो गया, लिमिटिंग फैक्टर्स. नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे फर्स्ट हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास लाइट, लाइट जो है आपके पास वेरियस टाइप के अफेक्ट शो करती है फोटोसिंथेसिस पे. जैसे हम बात करें फर्स्टली लाइट इंटेंसिटी, विद द इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज. एक लिमिट तक आप बढ़ाओगे वो बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करेगी. देन है हमारा लाइट ड्यूरेशन, स्पेसिफिक टाइम पीरियड जब आप दे रहे हो लाइट का, तो वो भी क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट डालता है. जनरली क्या है आपके प्लांट्स, जनरली कहा है मैंने, सारे प्लांट्स के लिए नहीं कहा है, कहीं नियर फ्यूचर में जब नेक्स्ट चैप्टर करवाऊँ और ये टॉपिक फिर से आएगा तो वहाँ इसके एक्सेप्शनल केस भी आएंगे, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन दैट टर्म. जनरली क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की बात हो रही है, 10 to 12 आवर्स उन्हें लाइट का चाहिए. प्लांट जिन्हें लेस लाइट की जरूरत है, जो कम लाइट में भी ग्रो कर जाते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है स्कियोफाइट्स, और जिन्हें ज़्यादा लाइट की जरूरत है उन्हें नाम दिया जाता है हेलियोफाइट्स, ठीक है. देन लाइट क्वालिटी, फोटोसिंथेसिस जो है आपके पास वो ब्लू और रेड, ये हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम में भी पढ़ा था, ब्लू और रेड लाइट में ज़्यादा है विजिबल स्पेक्ट्रम के, बाकी में कम होता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइट का भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट रहेगा. देन है हमारा CO2 कंसंट्रेशन, CO2 जो है वो एयर में 0.03% आपकी CO2 प्रेजेंट है. अगर हम उससे ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं CO2 का लेवल अप टू 1%, तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी, लेकिन अगर आप 1% से ज़्यादा बढ़ा देते हो तो प्लांट के लिए टॉक्सिक अफेक्ट शो कर देता है. देन है टेम्परेचर, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बढ़ेगी जब आप टेम्परेचर को 40 degrees Celsius तक बढ़ा रहे हो, लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा एनहांस कर दिया तो वो प्रोसेस डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. क्यों डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए हमें हर स्टेप पे एंजाइम्स की ज़रूरत है, और एंजाइम्स क्या होते हैं, मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन बाय नेचर, और प्रोटीन इससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे डी नेचर होना शुरू हो जाता है, दैट्स वाई. वाटर की अगर हम बात कर रहे हैं, इफ़ द वाटर इज नॉट प्रॉपरली सप्लाइड, वाटर की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो भी क्या है आपके पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर रिवर्स जो अफेक्ट है वो आने शुरू हो जाएंगे. पानी की सप्लाई कम है तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करेगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमने पढ़ाई है फोटो रेस्पिरेशन इनहिबिट करता है फोटोसिंथेसिस को, C3 प्लांट्स में स्पेशली. मिनरल एलिमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो डेफिशिएंसी अगर हो गई मैग्नीशियम मैग्नीज आयरन कॉपर या फॉस्फेट आयंस की, तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है. अगर हम अदर एक्सटर्नल फैक्टर कंसीडर करें इन इम्पॉर्टेंट्स के अलावा भी, तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो आपका HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड, वो भी क्या है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं. देन सेकेंड है हमारा इंटरनल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर में हमारे क्लोरोफिल कंटेंट, फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली कनेक्ट होती है क्लोरोफिल कंटेंट के साथ. जितना ज़्यादा क्लोरोफिल कंटेंट होगा उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, और जितना कम होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतनी ही कम हो जाएगी. देन है हमारा प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर. जो प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स हैं वो डार्क रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट डालते हैं, ठीक है, अगर वो कम है तो डार्क रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाती है. देन एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो गया है बहुत ज़्यादा, मतलब रिक्वायरमेंट कम हो गई है उस चीज़ की, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाती है. देन है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आप खुद ही बता सकते हो क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं. CO2 यूज़ हो रही है इस प्रोसेस के थ्रू, फूड फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जनरेट हो रही है जिससे एनवायरमेंट प्योरिटी हो रही है.